दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हर्ष गोगिया को जिन्होंने हमारे चैनल के लिए एक नया लोगो और एक नया बैनर बनाया है। ये भी एक यूट्यूबर है, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, टेक रिलेटेड चैनल है। तो अगर आपको इनकी वीडियो पसंद आती है तो इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको भी अपने चैनल के लिए नया लोगो नया बैनर बनवाना है तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मोबटिक्स। दोस्तों मुझसे कई बार लोगों ने पूछा है कि मोबाइल को चोरी होने से कैसे बचा सकते हैं, कैसे आप अपनी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट्स को, फोटोज, वीडियोस को कैसे चोरों के हाथ लगने से बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझसे कई बार लोगों ने पूछा है, तो फाइनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको 3 ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप अपने मोबाइल को चोरी होने से बचा सकते हैं, फिर चोरी हो गए मोबाइल को, गुम हो गए मोबाइल को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली ट्रिक में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल को चोरी होने से बचा सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि मोबाइल आपका चोरी पब्लिक प्लेस पे होता है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता है, जैसे कि आप अगर किसी बस पे चढ़ रहे हैं, किसी ट्रेन पे चढ़ रहे हैं, या फिर आपने अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दिया, आपकी शॉप है अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दिया और किसको अपना मोबाइल आपका मोबाइल उठा ले जाता है, तो कुछ इस तरीके से आपका मोबाइल चोरी होता है। या फिर दोस्तों कभी आप मान लो कहीं जा रहे हैं, बाइक पे हैं, मतलब कहीं पे, तो या फिर गिर जाता है आपका मोबाइल तो वो गुम हो जाता है, वो मोबाइल चोरी नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ आप अपने मोबाइल को खो सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर पे एक पॉकेट सेंसर नाम की एप्लीकेशन आती है जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें आपको अलग अलग टाइप के ट्रिगर्स मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाएं, कोई चार्जिंग से अगर आपके मोबाइल निकालेगा तो आपके मोबाइल में एक अलार्म बजने लगेगा, तो अलार्म से आपको मालूम पड़ जाएगा आपका मोबाइल चार्जिंग से किसी बंदे ने निकाला है। वो चोर भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, बट आपको मालूम पड़ जाएगा कि किसी बंदे ने आपका मोबाइल चार्जिंग से निकाला है। उसके साथ ही अगर कोई आपके जेब पॉकेट से निकलता है तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा, अलार्म बज जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि आपके मोबाइल को किसी ने टच किया है, और आपका मोबाइल तुरंत आप पर रिएक्ट करेंगे और आपको उस सामने वाले को पकड़ लेंगे कौन है आपके मोबाइल आपके पॉकेट से जो आपको आपका मोबाइल निकाल रहा है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, जो दूसरी ट्रिक है वो ये है कि अगर मान लो आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या फिर कहीं गुम हो जाता है, बेसिकली अगर कहीं गिर जाता है आपका मोबाइल, तो आप कैसे उसको ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने मोबाइल में पहले से कुछ सेटिंग करके रखनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि लोग अभी तक इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं अपना, तो मरने से पहले इंश्योरेंस कराते हैं, वैसे ही आपका मोबाइल चोरी होने से पहले, गुम होने से पहले आपको अपने मोबाइल में कुछ सेटिंग करके रखनी पड़ती है पहले से। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने सेटिंग में चले जाइए, गूगल में चले जाइए, सिक्योरिटी में चले जाइए, उधर देखिए आपको फाइंड माई डिवाइस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उधर से उसको इनेबल कर दीजिए। बस इतना सा आपको काम करना है। उसके बाद कभी भी अगर आपका मोबाइल गुम हो गया तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से फाइंड माई डिवाइस की एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपका जीमेल आईडी, जो आपने अपने मोबाइल में जीमेल आईडी से लॉगिन किया रहेगा, जो भी आपका मोबाइल खो गया है वो जीमेल आईडी इंटर करना है। उसके बाद आपके सामने आपका मोबाइल आ जाएगा, उधर से आप ट्रैक कर सकते हैं आपका मोबाइल कहाँ पर गिरा हुआ है, और साथ में दोस्तों आप उसमें चाहे तो कोई लॉक लगा सकते हैं, एक मैसेज छोड़ सकते हैं कि भाई ये मोबाइल मेरा इधर गिर चुका है, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर दोस्तों आप चाहे तो अपने डाटा वगैरह को इरेज कर सकते हैं। तो ये सारे काम कर सकते हैं अपने आसानी से। तो बट दोस्तों इसके लिए आपके मोबाइल में लोकेशन ऑन रहना चाहिए, जीपीएस हमेशा ऑन रहना चाहिए, तो इतना आपको काम करना है। दोस्तों अब जो मैं तीसरी ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो अगर आप जान लेंगे तो दोस्तों आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपका मोबाइल चोरी होता है, गुम होता है, कौन लेके जा रहा है, कौन नहीं। आप फटाक से चुटकियों में पकड़ सकेंगे और चुटकियों में अपने जो भी आपके पर्सनल डाटा वगैरह है उसको सेफ रख सकें, बहुत सारे काम कर सकेंगे। तो दोस्तों ये एक पर्टिकुलर ऐप है जो आपको पहले अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इसका नाम है सर्बरस। तो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उधर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना होगा इस ऐप में, आपका जो भी मोबाइल नंबर है, उसके बाद आपका जो भी ईमेल आईडी वगैरह है वो डाल के आप रजिस्टर कर लीजिए और इसको सारी परमिशंस दे दीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको बता देता हूँ कुछ, इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स है जो कि आपको पहले कुछ सेटिंग करके रखना पड़ता है, तो सारी चीज़ें मैं आपको इधर बता देता हूँ। तो इधर देखिए आपको मिल जाता है ऑप्शन कि मतलब अगर कोई बंदा ये मोबाइल मिलता है तो वो इस ऐप को अनइंस्टॉल ना कर दे, क्योंकि अनइंस्टॉल हो जाएगा तो काम पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो उसके लिए देखिए इधर आपको डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इधर से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, इधर से आप इसको एक्टिवेट कर दीजिए। उसके साथ ही उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको भी अनइंस्टॉल करना है कभी, तो आप पहले ये यूजर नेम या फिर पासवर्ड इंटर करने के बाद ही आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं।
उसके साथ ही एक मेन फीचर है कि आप जो भी अपनी फाइल्स वगैरह है उसको आप गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं, इधर से आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ ही आप चाहें तो रिमोटली अपने डिवाइस की जो भी आपकी मेमोरी वगैरह है उसको आप इधर से इरेज कर सकते हैं, आपको चाहिए तो इधर से इसको भी आप टिक मार्क कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों SD कार्ड की भी जो भी आपके फाइल्स वगैरह डाटा वगैरह फोटोज वीडियोज वगैरह जो भी है उसको भी आप इरेज कर सकते हैं घर बैठे बैठे रिमोटली, मतलब आपको मोबाइल टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी जो भी पर्सनल चीजें हैं भाई वो चोरों के हाथ में जाने से बचा सकते हैं। इसके साथ ही इधर देखिए और भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, वो आप चेक कर लीजिए, अगर आपके काम के हैं तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं। उसके साथ इधर देखिए ऑटोमेटिक फोटो कैप्चर का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों ये कैसे काम करता है कि अगर कोई बंदा अगर आपका मोबाइल पाता है और आपके मोबाइल में अगर गलत पासवर्ड एंटर करता है, गलत पासवर्ड वो आप इधर सेट कर सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, तो अगर कोई बंदा अगर गलत पासवर्ड एंटर करता है तो उसकी डायरेक्ट फोटो कैप्चर हो जाएगी और वो फोटो आपको डायरेक्टली आपके ईमेल पे सेंड हो जाएगा। तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी कि आपको डायरेक्टली मालूम पड़ जाएगा कि किस बंदे ने आपका मोबाइल पाया, किस बंदे के पास आपका मोबाइल है। तो फोटो से तो यार कुछ भी हो जाता है, कहीं भी बंदा रहेगा आप उसको पकड़ लेंगे। उसके साथ ही दोस्तों एक और ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा है सिम चेकर का। इधर देखिए आपको 3 अलग अलग कॉन्टेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, वो कॉन्टेक्ट आपका कोई दूसरा नंबर हो उसको भी डाल सकते हैं या फिर आपके घर पे कोई किसी का नंबर उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर सामने वाला बंदा मान लो चोर आपकी सिम निकालता है और अपनी सिम लगाता है तो डायरेक्टली आपको एक SMS चले जाएगा, वो ये तीनों कॉन्टेक्ट पे आपको एक SMS चले जाएगा। SMS में आपको क्या क्या मिलेगा, आपके डिवाइस की लोकेशन मिल जाएगी, सिम कार्ड का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आपके ईमेल पे भी एक अलर्ट आ जाएगा। इसके साथ ही अगर बंदा सामने वाला बंदा अगर बगैर सिम के भी अगर आपका मोबाइल ऑन करता है तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा, तो भी एक SMS अलर्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है। दोस्तों इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। जब भी आपका मोबाइल गुम हो जाए, चोरी हो जाए, तो आप क्या काम कीजिए, अपने PC पे, लैपटॉप पे या फिर किसी भी दोस्त का मोबाइल लेके आप ब्राउजर पे जाके सर्च कीजिए www.cerberusapp.com। उसके बाद सर्बरस ऐप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इधर आप लॉगिन कर लीजिए, अपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपका जो भी मोबाइल था मोबाइल का मॉडल इधर शो होने लगेगा और इधर देखिए कमांड वाले सेक्शन में आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। मतलब आप जो करना चाहते हैं, जैसे कि अपने मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करना चाहते हैं, अपने मोबाइल पे लॉक पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हैं, मैसेज कोई छोड़ना चाहते हैं या फिर अपने SD कार्ड से पूरा डिलीट करना चाहते हैं, उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं या फिर आपके डिवाइस मेमोरी को क्लीन करना चाहते हैं या फिर आपके फाइल्स वगैरह को गूगल ड्राइव में डालना चाहते हैं, मतलब जो भी चीज आप करना चाहते हैं सारे ऑप्शंस इधर सामने आपको अवेलेबल है। आप वो चीज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। दोस्तों ये जो ऐप है ना ये पेड ऐप है, 380 रुपया इनका कुछ है ईयरली प्लान, तो आप चाहे तो इसको ले सकते हैं 7 डेज के लिए ट्रायल है, अगर आपको पसंद आए तो ये ले सकते हैं अगर आपको उचित लगे तो। बाकी बहुत अच्छा ऐप है, आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बाय भी कर सकते हैं। बाकी के शुरू के जो आपको बताया वो दोनों फ्री थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो, ये तीनों ट्रिक आपके लिए कुछ यूजफुल साबित हुई होगी। नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका भी कुछ, मतलब अगर आपके पास भी कुछ ऐसा नॉलेज है जिससे कोई ट्रिक है जिससे कि लोगों की मदद हो सके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं सवाल। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, गुड डे एंड टेक केयर।